वेलकम टू माय चैनल एल्बियन और एकेडमी। आज हम आपको बिजली की सब्सिडी कैसे अवेल करनी है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ में तरीका भी सिखाएंगे, तो पूरे वीडियो के साथ बने रहें। आज से पहले सबको दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली बिल में सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब सब्सिडी लेने के कुछ अलग नियम हैं, तो बढ़ते हैं हम आगे। दिल्ली में टोटल 58 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जिसमें से 47 लाख कंज्यूमर को सब्सिडी मिलती है। 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं सब्सिडी देने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से, और 16 या 17 लाख ऐसे कंज्यूमर हैं जिनके बिल आधे आते हैं, मतलब 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है और 201 से 400 यूनिट तक आधे रेट के हिसाब से चार्ज आता है। एक बार दोबारा से बता दूं, 30 लाख ऐसे कंज्यूमर हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि हम पे कर सकते हैं पूरा बिल, तो हमें क्यों सब्सिडी दी जा रही है। ये बिल्कुल सही डिमांड थी, हमें ऑप्शन दिया जाए कि हम पे करना चाहें तो करें और अगर न करना चाहें तो न करें। हमारे ऊपर ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों थोपी जा रही है। यह बिल्कुल सही बात है कि सबको ज़बरदस्ती सब्सिडी क्यों दी जाए। यह सब्सिडी सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। इसी के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने कुछ महीने पहले यह फैसला लिया था कि दिल्ली सरकार सिर्फ उसी को सब्सिडी देगी जो अप्लाई करेगा। जो सरकार से मांगेगा कि हमें सब्सिडी चाहिए तो सिर्फ उसी को सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम को दिल्ली सरकार अब लागू करने जा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक यह पुरानी योजना रहेगी कि सब लोगों को सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन 1 अक्टूबर से सिर्फ उन्हीं कंज्यूमर को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे या अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के तरीके दिल्ली सरकार ने जारी कर दिए हैं, जो कि बहुत ही आसान है। मल्टीपल तरीके हैं सब्सिडी अवेल करने के। एक तरीका तो यह है कि जो अगला बिल आएगा उस बिल के साथ एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को भरकर जहां आप बिजली का बिल जमा करते हैं वहीं उस फॉर्म को जमा करवा दें, तो आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक है। दिल्ली सरकार ने एक नंबर जारी किया है, उस नंबर पर आप मिस कॉल करें तो आपके पास एक SMS आएगा। उस SMS में एक लिंक होगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर दें तो आपके WhatsApp पर एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को भरकर भेज दें, आप रजिस्टर हो गए बिजली की सब्सिडी लेने के लिए। यह नंबर है 7011311111। आपके स्क्रीन पर ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर मिस कॉल करें या आप अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव करें और WhatsApp करें हाई लिखकर, तो आगे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी कि कैसे इसको पूरा करना है। आप वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आपका सब्सिडी लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आप सारे काम रजिस्ट्रेशन का कर लेंगे तो 3 दिन तक आपके पास SMS आ जाएगा सब्सिडी का कंफर्मेशन कि आप रजिस्टर हो गए हैं और आपकी सब्सिडी लागू रहेगी। जिनको जिनको भी सब्सिडी चाहिए 31 अक्टूबर तक, तो आप लोग अप्लाई कर दें तो आप लोगों की सब्सिडी 1 अक्टूबर से जारी रहेगी, और अगर 31 अक्टूबर के बाद करते हैं तो आपको नवंबर की सब्सिडी मिलेगी और अक्टूबर का पूरा पे करना पड़ेगा। और जो दिसंबर में अप्लाई करेंगे उनको अक्टूबर और नवंबर का पूरा बिल पे करना पड़ेगा, मतलब जिस महीने में आप अप्लाई करेंगे उसके अगले महीने से सब्सिडी मिलेगी और बाकी पिछले महीने की सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई रहने जाए, और साल में एक बार यह प्रोसेस होगा ताकि जो सब्सिडी ना लेना चाहे ना लें और जिसको चाहिए मांग लें और जिसको नहीं चाहिए वो सब्सिडी गिव अप कर दें। और अब पूरा प्रोसेस देखें कैसे करना है यह इलेक्ट्रॉनिकली। सबसे पहले हमने ये नंबर डायल किया है अपने मोबाइल में, 7011311111 ये मैंने डायल किए हैं। डायल करने के बाद जैसे मिल जाएगी फिर मैं इसको डिसकनेक्ट कर दूँगा। डिसकनेक्ट करते ही एक SMS आएगा, देखिए ये SMS आ चुका है UPDEL पावर करके,
फिर ये SMS मैं ओपन कर रहा हूँ। SMS ओपन करने के बाद उसमें मैसेज आएगा, मैसेज में एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लिंक के बारे में। ये UPDELPWR करके, ये देखिए लिंक है ब्लू कलर के, HTTP समथिंग करके, इस पर क्लिक करते ही फिर ये अगला पेज आएगा, उसमें पेज पे क्लिक करते ही ये अपने आप ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। फिर यहाँ पे हाई लिखे, हाई लिखने के बाद इसको सेंड करेंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये हो गया मिस कॉल का तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, अपने मोबाइल में नंबर को सेव कर लें। नंबर वही है, सेम नंबर 7011311111। इस नंबर को सेव किया हमने, आप कुछ भी नाम से सेव कर सकती हैं। मैंने इसको दिल्ली गवर्नमेंट के नाम से सेव किया है अपने मोबाइल में नंबर। देखिए ये मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप में जाके जो मैंने नंबर सेव किया था उसको सर्च करना है दिल्ली गवर्नमेंट के नाम से, तो ये देखिए आ गया। फिर इसको क्लिक करेंगे तो फिर हम यहाँ पे हाई लिख के भेजेंगे, तो ये फिर वही प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा। तो अब हम आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देख लिया व्हाट्सएप पे आने तक दोनों तरीके से व्हाट्सएप पे हम आ गए और ये हाय हमने लिख के भेजा, फिर ये आगे का प्रोसेस शुरू होगा। ये देखिए मैसेज आ गया वेलकम टू दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी पोर्टल करके। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का बोल रहे हैं, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, आप हिंदी भी कर सकते हैं, आगे मैं हिंदी में भी बताऊँगा। फिर ये लेटर है, देखें लेटर आ गया है, ये लेटर पे नज़र ऐसे ही डाल लें। फिर ये सी नंबर मांग रहे हैं आगे, तो सी नंबर जो आपके बिजली बिल पे मेंशन है वो इसमें डाल दें। सी नंबर है क्या नंबर, सी क्या नंबर, तो ये आपको डालना है। डालने के बाद नॉमरिक नंबर होगा 123 समथिंग करके, और ये नंबर मैंने हाइड कर दिया है, ये किसी और की इंफॉर्मेशन है तो ये पर्सनल में आ जाएगा कॉपीराइट में, तो इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा नाम, उसके बाद सी नंबर, उसके बाद पता ही फॉर्म आएगा। आपको वेरीफाई कर लेना है ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, नहीं किसी और की है तो दोबारा से ट्राई करेंगे, अगर है तो ऊपर स्क्रॉल करके यस करना है। यस हमने कर दिया है। यस करने के बाद ये देखा आ गया आपके पास मोबाइल नंबर, ये सी नंबर ये है और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। फिर उसके बाद इसमें मांग रहे हैं यू लाइक टू एड योर ईमेल आईडी, ऑप्शनल है ये, करना चाहें तो यस करना है, नहीं करना चाहें तो नो करना है। आजकल मेल आईडी का ज़माना है, यस कर दिया हमने। मेल आईडी सबके पास होगा, आप सब लोग एंड्रॉयड फोन यूज़ कर रहे हैं तो मेल आईडी होगा, मेल आईडी डाल लें तो बेहतर है, मेरा एडवाइस है डाल दें ताकि मेल में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो उसमें मेल पे भी आपके एक्नॉलेजमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आ जाए। तो ये मेल आईडी है, फिर मैंने वो पर्सनल कॉपीराइट के थ्रू, मैंने ये पर्सनल प्रोटेक्शन के थ्रू ये मेल आईडी मैंने पर्सनल लोगों की वो कर दिए, मैंने हाइड कर दिए। हाइड करने के बाद ये देखा एक्नॉलेजमेंट आ गया, थैंक यू करके योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। तो ये है, अब अगला प्रोसेस देखें, वो फॉर्म मैंने इंग्लिश में किया था, अब ये दोबारा से फॉर्म मैं हिंदी में कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे अपने नॉर्थ में लोग हैं जो हिंदी प्रेफर करते हैं, इंग्लिश लिखने में पढ़ने में तकलीफ होती है, तो हिंदी में सेम प्रोसेस है। व्हाट्सएप पे हम गए, व्हाट्सएप पे हमने दिल्ली गवर्नमेंट के नाम से सर्च किया, सर्च करने के बाद हाई लिख के भेजेंगे। देखेंगे यहाँ पे हमने हाई लिखा, हाई लिखे हमने इसको सेंड किया, सेंड करने के बाद फिर वही मैसेज आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहे हैं हिंदी में चाहिए इंग्लिश में चाहिए, तो यहाँ पे हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद फिर वही आगे की इंफॉर्मेशन आएगी, लेटर आएगा और सी नंबर मांगा जाएगा, तो ये लेटर पढ़ लें एक बार, हिंदी में भी पढ़ लें, पहले भी हिंदी में ही था, फिर सी नंबर डाल लें जो आपके बिजली के बिल पे सी नंबर होगा वो यहाँ पे डालना है। सारे नंबर नॉमिक में होगा, पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ कि नॉमिकल नंबर होते हैं सही नंबर, उसमें कोई अल्फाबेटिकली ABCD A to Z नंबर नहीं होते हैं, सारे 0 to 9 करके नंबर होते हैं, वो नंबर आप डाल लें बिजली बिल में आपको दिख जाएगा। नंबर डालने के बाद आपको इसको सेंड करना है कन्फर्मेशन मिलने के बाद, ये डाल दिया आपने, फिर आएगा कि हाँ ये सही नंबर है, सही नंबर डालने प्रदान करने के लिए धन्यवाद, मैसेज आया, ये इन्फॉर्मेशन आ गई, सही नंबर है सही तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं, पुनः प्रयास पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से सी नंबर मांगेगा, तो इसमें नाम है सबसे पहले, दूसरा सी नंबर है, तीसरा पता है, ये आप वेरीफाई कर लें आपकी इन्फॉर्मेशन हो,
आपकी है तो उसमें हाँ पे क्लिक करना है, हाँ ठीक है ये हमारा ही है। उसके बाद ये आ गया आपका सी नंबर, ये है मोबाइल नंबर, ये है एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये है, और फिर ये मेल आईडी ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाला, नहीं डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। यहीं पे क्लिक करेंगे कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। मैंने हाँ पे क्लिक कर दिया है, मेल आईडी का जमाना है, मेल आईडी डाल दें तो बेहतर। मैंने डाल दिया मेल आईडी, तो फिर मैं ये बताऊँ पर्सनल प्रोटेक्शन के थ्रू मैंने इसको हाइड कर दिया है, पर्सनल मेल आईडी लोगों की, तो मेल आईडी डाल रहे हैं हम। मेल आईडी डालने के बाद इसको सेंड करेंगे, इसके बाद हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये देखें मेल आईडी डल गई है, डलने के बाद हमने सेंड किया, ये आ गया धन्यवाद करके। ठीक है दोस्तों, तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी, और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें ताकि लोग इसका सब्सिडी का अवेल कर लें।